दोस्त चाहिए या अमेरिका का वीजा चाहिए? नहीं, चलो वीजा किधर है, वीजा किधर है, चलो। ये मेरा दोस्त है, आज से नहीं है वो नजीब भी भाई काट, मुझे अमेरिका का वीजा चाहिए। उसकी 80 साल आंटी से शादी करूंगा, उसका सारा जायदाद मेरा। हाँ तो भाई, क्या आप सबके वेलकम बैक हो गया आप सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को कैमरे में रिकॉर्ड हो जाने वाली इंटरनेट पर मौजूद कुछ ऐसी मजाइया और वायरल वीडियोस दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भाभी तुम बर्तन धुलवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी तुम झाड़ू लगवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी तुम पोछा लगवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यार, ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी, आपने इसे एंड तक देखना है और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है ताकि न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, पहले तो जरा आप देखें कि बोर्ड में तार लगाते हुए इस बंदे के साथ इसके दोस्त क्या करते हैं। और अब आप जरा शादी में लोगों को पैसे लूटता हुआ देखें। दूल्हा भी लाइक, जाओ भाई मुझे शादी नहीं करनी। और इस वीडियो में जरा आप मौलवी साहब की एंट्री चेक करें। और ये बंदा खाने की टेबल से कुछ उठाने के लिए ऊपर उठता है, लेकिन देखें कि पानी तो इसकी टेबल को ही साथ ले जाता है और हो जाता है सीन। और ये बंदा इस लड़के से सवाल करता है कि कायद आजम अगर आज के दौर में जिंदा होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं। जरा आप सामने वाले का जवाब सुने। अगर कायद आजम आज के दौर में होते तो वो अभी क्या कर रहे होते? वो भी किसी ना किसी केस में अंदर होते। और दोस्तों, इस वीडियो में जरा आप इस औरत को कुकिंग करता हुआ देखें। और जब ये वीडियो हमारे इन सरदार जी ने देखी तब। और इस लड़के का दोस्त इससे चखने के लिए थोड़ी सी आइसक्रीम मांगता है, तो चलिए जरा देखते हैं कि इसका दोस्त कितनी सी आइसक्रीम चखता है। और ये बंदा अपने दोस्त को मैजिक करके दिखा रहा होता है, तो चलिए जरा आपको भी दिखाते हैं। और इस टीचर के मुताबिक हम लड़के बहुत नेक होते हैं। अब नेक होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो वजह ये बताती हैं, जरा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि उससे कौन कौन एग्री करता है। लड़के इतने अच्छे होते हैं ना, इतने अच्छे कि अगर इसके कंधे पर कोई लड़की सो जाए, अगर मेट्रो में या बस में, ये अपना स्टॉप मिस करके दो स्टॉप आगे तक जाएगा, लेकिन लड़की को नहीं उठाएगा। और अब जरा आप देखें बेस्ट फीलिंग एवर। और ये लड़की बारिश से बचने की कोशिश में भागते हुए आ रही होती है, तो ऐसा तो होना ही था। वैसे ये भी सोच रही होगी कि काश भीगते हुए आ जाती तो ज्यादा बेहतर था। और ये लड़का किचन में बैठकर आटा गूंद रहा होता है, तो इसका भाई इसकी वीडियो बनाने लग जाता है, जिस पर जरा आप इसका रिएक्शन देखें। हाँ भाई, दासा होने चाचू आटा गोंदा देख। और इस वीडियो में जरा आप इस बंदे का प्रैंक भी देखें। हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे। और जरा आप इस बंदे को देखें कि ये चश्मा कहाँ रखता है। और जरा आप देखें कि ये लड़का यहाँ पर डांस कर रहा होता है, लेकिन जैसे ये देखता है कि इसकी वीडियो बन रही है, तो इसके बाद ये क्या करता है। ना, 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 ना,
और दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जरा आप क्रिकेट से रिलेटेड इस लड़की का डाउट भी सुने। आप मेरे को डाउट क्लियर करो कि अगर एक बैट्समैन चौका मारता है तो भागता क्यों नहीं है? आई मीन रन और मिल जाएंगे यार। स्टार्ट करो। वैसे ऐसे कहते हैं असल पापा की परी। और अब जरा आप इस बंदे के गाने पर पीछे खड़े हुए इसके दोस्त का बैकग्राउंड म्यूजिक सुने। जो तनु धूप लगी आवे तेरी चाव बन जावा, तेरी खुशियों की खातिर मैं सारी। और आप लोगों ने बड़े व्लॉग्स देखे होंगे भाई, आजकल तो कोई भी पत्थर उठाओ नीचे से कोई ना कोई व्लॉगर जरूर निकल आता है। बात तो सही है। लेकिन जो व्लॉग ये लड़की बनाती है उसके तो क्या ही कहने। लोग मुझे भूख लगी है, आप लोग ने खाना खाया? मैं जा रही हूँ खाने, मेरे घर वाले चिल्ला रहे कि कब से वीडियो बना रही है, खाना नहीं खाएगी क्या? यार बाकी सारी बातें छोड़ो, इसका ब्रेक कहाँ मिलेगा वो बताओ मुझे। और अब जरा आप इस लड़के की शॉर्ट चेक करें। इस शॉर्ट का नाम है गिरते पड़ती शॉर्ट। और दोस्तों अब जरा आप लोग देखें कि इस लड़के के साथ क्या सीन होता है। और इस वीडियो में जरा आप शादी के इवेंट के दौरान इस बंदे के ढोल बजाने का ये अनोखा तरीका भी देखें। कौन है ये लोग? और अब जरा आप शेख साहब के साथ होने वाला प्रैंक भी देखें। और ये बंदा अपना मोबाइल ढूंढ रहा है, लेकिन जरा आप लोग देखें कि मोबाइल कहाँ पर है। और दोस्तों एग्जाम में पास होने के बाद जरा आप इस लड़के की खुशी चेक करें। मैं पास हो गया। और जब मेरा दोस्त बार बार कॉल करके मुझे इरिटेट कर रहा हो तो कॉल उठाने के बाद मैं मजा आया। और अब जरा आप लोग देखे हैं कि इस लड़के का दोस्त इसके साथ क्या सीन करता है। कैसा लगा मेरा मजाक? और ये चाचा जी स्विमिंग पूल में डाइव लगाने के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये अपना इरादा बदल लेते हैं, लेकिन यार सीन तो इनके साथ फिर भी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सकें।